नहीं फोटो आई का हुई थे Hey, go on. Control Bia. Control Bia. Ago. Ega, Anna. I'm talking Karawanga. Let me ask. Cheram Dupat Prestige. Dupai Cheram Gadaika. Dupai Cheram Gadaika. Dupai Cheram Gadaika. Dupai Cheram Gadaika. Dupai Cheram बोल बोलना का मैं भूखनलाल साहू ग्रामीण सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष भान सोच भाग माले सोसाइटी में अभी तक धान खरीदी भान सोच सोसाइटी में कम से कम 27,000 कट्टा और 32,000 कट्टा परपस सोसाइटी के अंतर्गत है और हमारे सोसाइटी के अंतर्गत दो मान ले जाए दो सोसाइटी आते हैं परपस और भान सोच यहाँ बहुत धान पड़ा है और बारिश बहुत हो रहा है इस कारण से भानसोज में करीब 3-4 रोज है सोसाइटी बंद धान खरीदी और परपोज में करीब 1 हफ्ता हो गया क्योंकि वहाँ के फड़ है जो कन्हार जमीन है और जो कच्चा है इस कारण से वहाँ अभी तक ट्रैक्टर वगैरह नहीं जा रहा है तो हम लोग शासन से मांग कर रहे हैं कि धान खरीदी को कम से कम 15 फरवरी तक बढ़ाया जाए और या नहीं तो रविवार और यानी रविवार और शनिवार को भी धान तौल कम हमारे हम लोगों को आदेश दिया जाए हम शासन से चाहते हैं कि किसानों के धान अभी ब्यारा में पड़ा हुआ है जिसे सूखने में कुछ समय लगेगा और टोकन की व्यवस्था ऐसी है कि जिस समय में टोकन दिया गया है उस समय धान खरीदी नहीं हो पा रही है तो इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए शासन से अनुरोध करते हैं कि आप शनिवार और इतवार को व्यवस्थित रूप से आप धान खरीदी कलेक्टर द्वारा आदेश करें ताकि किसानों को परेशानी मत हो विवाद की स्थिति मत हो टोकन के कारण विवाद की स्थिति हो रही है इसके निपटारा के लिए शासन गंभीरता से निर्णय ले देखिए मैं बोल रहा हूँ मैं भूपेंद्र शर्मा संयोजक किसान संघर्ष समिति मैं आरंग तहसील के अधिकांश धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया हूँ एक तो सभी निरीक्षण केंद्रों में जितने धान उपार्जन केंद्र है वहाँ पर धान की जाम की स्थिति बहुत लगी हुई है परिवहन कर्ता के में जो ठेके के साथ उसमें लिखा हुआ है 3 दिन का परिवहन करना है करके लेकिन परिवहन के अभाव कारण लगभग सभी जो धान उपार्जन केंद्र हैं वहाँ पर धान जाम है और कहीं 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 पर यही स्थिति है कि धान खरीदी ठप हो सकती है इसके साथ ही बीते दिनों जो बारिश हुई है उस बारिश की वजह से अधिकांश जगह पर धान खरीदी का काम पिछले सोमवार से
रुका हुआ पड़ा हुआ है। आज और कल गुरुवार कुछ जगह कुछ थोड़े स्थिति में खरीदी शुरू हुई है, लेकिन परिवहन का काम बिल्कुल रुका हुआ है। और स्थिति ये है कि जो उपार्जन केंद्रों के जो प्रभारी द्वारा टोकन जारी किए, वो टोकन जनवरी के 10 या 11 तारीख तक औसतन जारी किया जा चुका है। जो किसान जो अभी खरीदी जो धान खरीदी बंद हुआ है पानी कारण, उसके जो किसान टोकन जारी किया, वो किसान और जो अभी धान लेकर उन किसानों के विवाद हो रहा है और सोसाइटी कर्मचारियों के साथ विवाद हो रहा है। तो इस स्थिति देखते हम जहाँ मैंने दौरा किया, अधिकांश केंद्रों से में यही मांग आई है कि अवकाश दिनों में या तो धान खरीदा जाए या फिर धान खरीद तिथि को बढ़ाकर कम से कम 15 फरवरी किया जाए।